दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है देश विदेश से जुड़ी खबरों में। दोस्तों, बांग्लादेश की नई सरकार मोहम्मद यूनुस भारत की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर भारत की तरफ से बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दोस्तों, हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि जो बिजली भारत के द्वारा बांग्लादेश में भेजी जा रही थी, उस बिजली को अब खुद भारत में यूज करेगा, उसकी मंजूरी मिल गई है। और जो बांग्लादेश भारत से हावी होने की कोशिश कर रहा है, अब इस बांग्लादेश का घमंड मिट्टी में मिलाने जा रहा है। आपको बता दूं कि बांग्लादेश अपने लिए खुद की बिजली भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जिसके कारण पावर सप्लाई के लिए भारत पर निर्भर है, जिसमें भारत की अदानी पावर की झारखंड में मौजूद गोड्डा पावर जनरेशन प्लांट द्वारा अभी तक लगभग 100% बिजली की सप्लाई बांग्लादेश जा रही थी। लेकिन अब बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं, इससे भारत की तरफ से बहुत बड़ा फैसला किया जा चुका है। और इस रिपोर्ट में आप साफ साफ पहच सकते हैं कि बांग्लादेश को जो बिजली की सप्लाई की जा रही थी, अब उस इलेक्ट्रिसिटी को खुद भारत के अलग और नए नए प्रोजेक्ट में इस्तेमाल में लिया जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो भारत में भी इलेक्ट्रिसिटी की काफी ज्यादा जरूरत होती है और इसकी रिक्वायरमेंट दिन पर दिन बढ़ने लगी है। पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए भारत की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया जा रहा है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, हाल ही में एक खबर आ रही है कि अभी तक बांग्लादेश को जो बिजली भारत के द्वारा भेजी जा रही थी, बांग्लादेश में उस बिजली को अब नहीं भेजा जाएगा, बल्कि भारत में उस बिजली का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस खबर ने बांग्लादेश की नई सरकार का दिमाग हिला रख दिया है। क्योंकि देखा जाए, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को देश छोड़ देने के बाद भी वहां के हालात बेकाबू हैं, साथ ही अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि जिन इलाकों में हिंदुओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उनको वहां की सेना द्वारा रोकने की कोशिश की जा रही है। भारत के दबाव में आकर बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने हिंदू और अल्पसंख्यकों को बचाने पर बात रखी, लेकिन उनके बचाव के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि कुछ हद तक भारत को भी उनकी तरफ से चेतावनियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि शेख हसीना को भारत ने अपने देश में शरण ली हुए है, लेकिन सभी लोगों का ध्यान इधर अटका हुआ था। वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान किया जाता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो भारत के द्वारा बिजली की सप्लाई भेजी जाती है, उस बिजली को अदानी पावर की झारखंड में बनाई गई गोड्डा पावर जनरेशन प्लांट द्वारा भेजी जाती है, और इसी पावर जनरेशन प्लांट द्वारा बांग्लादेश में भेजी जा रही थी। इलेक्ट्रिसिटी को भारत में शिफ्ट करने की परमिशन को भी भारत सरकार की तरफ से दी जा चुकी है। सबसे पहले तो आप इस पर नजर डालिए, जिसमें आप भारत और बांग्लादेश को आसानी से देख पाएंगे। यहाँ भारत का झारखंड राज्य है, और झारखंड में जो लाल चिन्ह दिख रहा है, यहीं पर अडानी ने गोड्डा पावर जनरेशन प्लांट बनाया था, क्योंकि यहाँ से बांग्लादेश काफी ज्यादा पास है। इस भारत के झारखंड से शुरू बांग्लादेश के ढाका शहर तक इलेक्ट्रिक वायर की प्रॉपर कनेक्टिविटी लाइन बिछाई गई है, और इसी इलेक्ट्रिक वायर कनेक्टिविटी के द्वारा भारत से बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई भेजी जाती है, और बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई भारत के द्वारा इसीलिए भेजी जाती है क्योंकि बांग्लादेश अपनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, और बांग्लादेश कोयला खरीद के लिए भी इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका जैसे देशों पर निर्भर है, जहां से बांग्लादेश कोयला खरीदता है। लेकिन बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ने के साथ साथ कोयले की इतनी ज्यादा खपत के कारण इतनी जरूरत पड़ी डीएचनी शुरू हो गई है कि बांग्लादेश को पिछले एक साल में हर साल की तुलना में 2 गुना से भी ज्यादा कोयला इंपोर्ट करना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश में जितनी बिजली की जरूरत होती है, उस हिसाब से काफी कम मात्रा में ही बिजली बन पाती है, जिसके कारण भारत के द्वारा काफी ज्यादा से ज्यादा बिजली की सप्लाई बांग्लादेश में की जाती है। आपको बता दें कि जब साल 2017 में पीएम मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा की थी, तो उस समय बांग्लादेश ने भारत से बिजली की मांग की थी, जिसके बाद
बिजली आपूर्ति के लिए नवंबर 2017 में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने भारत की अदानी पावर के साथ बिजली खरीद का समझौता पर मोहर लगा दी और इस समझौते के मुताबिक अगले 25 सालों तक भारत के झारखंड में मौजूद इसी पावर प्लांट से बिजली की सप्लाई भेजा जाना था, लेकिन उस समय अडानी के इस पावर प्लांट का काम चल रहा था। इसीलिए पिछले साल जून 2023 में भारत ने बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई भेजनी शुरू की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पावर प्लांट को दूसरे देशों में भी बिजली सप्लाई भेजने के मकसद से डेवलप किया गया है और इसकी कैपेसिटी शुरुआत में 1496 मेगावाट की थी, लेकिन अब 1600 मेगावाट की हो गई है क्योंकि बाद में इसे बढ़ा दिया गया। यहां तक कि यह भारत का मात्र एक ऐसा पावर जनरेशन प्लांट था जहां की 100% बिजली अभी तक बांग्लादेश में ही भेजी जा रही है और इसकी थोड़ी सी भी बिजली भारत में उपयोग नहीं की जाती थी। दोस्तों, जाहिर तौर पर बात है कि जिस पावर प्लांट की 100% बिजली बांग्लादेश में भेजी जा रही है और यदि इस पावर प्लांट की बिजली को बांग्लादेश में बंद करके भारत में शिफ्ट कर दिया जाए तो बांग्लादेश की नई सरकार को एक बड़ा झटका जरूर लगा होगा। न्यूज रिपोर्ट की माने तो यह फैसला भारत की तरफ से 12 अगस्त को लिया है और वह भी भारत सरकार ने अडानी के इस पावर प्लांट से बांग्लादेश में सप्लाई की जाने वाली बिजली को भारत में बेचने की परमिशन ऐसे वक्त पर दी है जिस समय बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा है और बांग्लादेश देश की नई अंतरिम सरकार भारत को अपने तेवर दिखाने की कोशिश में लगा है और बांग्लादेश के नए सरकार की अक्ल जिस तरीके से ठिकाने लगी है इसका अंदाजा आप इस रिपोर्ट को देख लगा सकते हैं जो कि हाल ही में निकल कर आ रही है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि विरोध प्रदर्शन और इकोनॉमिक रुकावट के कारण बांग्लादेश की जो पावर डिमांड है वह 7% बढ़ चुकी है। दोस्तों, जिस समय बांग्लादेश की पावर डिमांड बढ़ रही है उस समय भारत की तरफ से बांग्लादेश की पावर को भारत में मोड़ा जा रहा है। लेकिन अब यहां पर सवाल आता है कि भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ इस तरीके के कदम क्यों लिया। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बांग्लादेश की नई सरकार ने जो भारत को चुनौतियां दी हैं इस वजह से भारत ने इस तरीके के कदम उठाए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि बांग्लादेश की उथल पुथल के कारण उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और यह भी हो सकता है कि बांग्लादेश इस बिजली का पेमेंट न कर पाए, ऐसे में आगे चलकर अडानी के इस पावर प्लांट को कोई नुकसान न हो जाए। इसलिए बांग्लादेश में भेजे जाने वाली बिजली की सप्लाई को भारत में उपयोग करने का कदम ले लिया जा रहा है। इससे भारत में बिजली की कमी भी नहीं होगी और यदि हम चाहें तो इस बिजली को दूसरे पड़ोसी देशों में भेज सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी भारत के कुछ अन्य पावर प्लांट द्वारा नेपाल और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए बिजली का एक्सपोर्ट किया जाता है। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने इस तरीके के कदम क्यों उठाया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।